मैं हूं समीर अजीज और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से पाकिस्तान को लेकर सऊदी अरेबिया के खिलाफ प्रोपेगेंडे की वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूं। पहले ये बता दूं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है क्या। फ्रेंड्स, हम शॉर्ट फॉर्म में इसे FATF भी कहते हैं और ये इदारा दरअसल ये मनी लॉन्ड्रिंग पर नज़र रखने वाला एक बैन अलावा इदारा है। फ्रेंड्स, ये जान लें कि पाकिस्तान में ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर FATF में पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने के हवाले से सऊदी अरेबिया के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, जिसके बाद खुद पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने भी इसकी वजाहत की है। पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर FATF के मामले पर सऊदी अरेबिया की तरफ से साथ ना देने की रिपोर्ट्स को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने इस तरह की खबरों को मुकम्मल तौर पर गलत और बेबुनियाद करार दिया है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने साफ साफ और वाज़ह अल्फाज में बयान किया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं और दोनों ममालिक ने हमेशा बाइमी इलाकाई और बैन अलाक़वामी अहमियत के तमाम मामलों पर एक दूसरे के साथ हमेशा तआवुन किया है। पाकिस्तान जो है वो ब्रादर मुल्क है, ऐसा कहा गया है तर्जुमान की तरफ से, और कहा गया है कि सऊदी अरेबिया के साथ वो अपने ताल्लुक को इंतहाई अहमियत के हामिल समझते हैं और इसकी उन्होंने सख्ती से मजम्मत किया, इस तरह के मज़मूम प्रोपेगेंडे को कतई तौर पर मुस्तरद किया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को एक्चुअली में फरवरी 2021 तक अपनी ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। इस हकीकत को समझना ज़रूरी है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने असल में 2018 में दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम ना करने की वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करते हुए पाकिस्तान के लिए लाया अमल तजवीज़ किया था, जिस पर अमल करके पाकिस्तान तंजीम की ग्रे लिस्ट से बाहर आ सकता है। तो पाकिस्तान ने एक्चुअली गुज़िश्ता एक साल में कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त नहीं की और 9 सिफारिशात पर खातिर ख्वाह अमल दरामद किया गया है, जबकि 25 सिफारिशात पर जुज़वी अमल दरामद हुआ है और 4 पर बिल्कुल भी अमल दरामद जो है वो नहीं किया गया। तो इसके लिए आप सऊदी अरेबिया समेत किसी भी दूसरे मुल्क को मोरद अज़ाम नहीं ठहरा सकते। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि पाकिस्तान हिकमत अमली अंजाम दे रहा है। पाकिस्तान ने रवा बरस पार्लियामेंट से 15 के करीब नए कानून मंजूर कराए हैं ताकि मुल्क के FATF के ग्रे लिस्ट से निकलने की राह हमवार हो सके। और गुज़िश्ता अजलास में FATF ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान ने 14 एक्शन पॉइंट्स पर अमल कर लिया है। तो अब यूँ होगा कि FATF की एक टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी और अगर मजीद 6 नुकात पर अमल हो जाता है तो फिर अगले इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का फैसला किया जाएगा। चुनाचे पाकिस्तान की इस जरूरत से फायदा उठाकर सऊदी अरेबिया के दुश्मनों ने सऊदी अरेबिया के खिलाफ पाकिस्तान के ताल्लुकात को खराब करने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडे बहुत बड़ा तूफान मचाया हुआ है और बहुत होशियार रहे और सऊदी मुखालिफ प्रोपेगेंडे जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इंसान की अपनी भी अकल होती है, किसी भी बात को फैलाने से पहले, नशर करने से पहले और कहने से पहले पहले सोच कर उसके बारे में तफ्तीश कर लें। और ये प्रोपेगेंडे जो है वो मशरक़ वस्ता के कई ऐसे अनासर की तरफ से भी हैं जो मुस्लिम इकाई और मुस्लिम दुनिया की यकजहती में शदीद रुकावट बने हुए हैं। फ्रेंड्स, पाकिस्तान जो है वो FATF का मेंबर अभी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के कई हलीफ ममालिक जो हैं जैसा कि सऊदी अरबिया है, मलेशिया है, चीन है और तुर्की है, वो इस तंजीम के मेंबर हैं। और यही वजह है कि हालिया दिनों में पाकिस्तान के जो वजीर खारजा हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने इन ममालिक के वजीर खारजा से रबते बढ़ाए भी थे। और जो पिछला इजलास हुआ था FATF का, उसमें ये ऐलान किया गया था कि पाकिस्तान ने 14 एक्शन पॉइंट्स जो हैं, जो 14 नुकात हैं, उन पर अमल कर लिया है। और ये सब कुछ आलमी सियासत के मुताबिक होता है और जो कुछ सिचुएशन दुनिया में इस वक्त है उस हिसाब से, लेकिन जब ये प्रोपेगेंडे फैलाए जाते हैं तो वो उन खास सिचुएशंस को चेंज करने की एक कोशिश होती है, इंतशार फैलाने की कोशिश होती है। इसलिए बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है और हर तरह के प्रोपेगेंडे पर यकीन करना, हर तरह के प्रोपेगेंडे को फैलाने में आपका एक क्लिक और एक फॉरवर्ड भी जो है वो बहुत इंसानी सोच को मुंतशिर कर सकता है और जहन से जहन जो है वो ख़राब किया जा सकता है। तो बहुत ध्यान दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।